देखिए आपका प्रश्न है, भारत की पहली रेल ने मुंबई और ठाणे के मध्य कितनी दूरी तय की थी? 34 किलोमीटर। भारत में प्रथम रेल कब चली? 16 अप्रैल 1853 में। भारतीय रेल की सबसे लंबी रेल यात्रा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच कितने किलोमीटर की है? 4286 किलोमीटर। वृंदावन एक्सप्रेस किन स्थानों के मध्य चलती है? तो किन के मध्य चलती है? चेन्नई और बेंगलुरु। पूर्वी रेलवे के बंटवारे के बाद हाजीपुर के आंचलिक मुख्यालय का नाम क्या है? तो मध्य पूर्व मध्य रेलवे है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? भारतीय रेल है। कोलकाता में भूमिगत रेल मार्ग दमदम से टालीगंज तक लंबाई कितनी है? तो 16.45 किलोमीटर है। और रेल देश की सबसे लंबी दूरी के रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? 4256 किलोमीटर। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो मार्च 1905 में। भारत की पहली रेल कहाँ चली? मुंबई और ठाणे के मध्य।